खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जब हम प्रार्थना पूर्ण हृदय से पूरी समर्पण के साथ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान का स्तवन करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, तो पूरा जीवन बदल जाता है। हम भीतर तक स्पंदित आनंदित हो उठते हैं। जब हमारी भीतर की ये तलाश पूरी होती कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, किसने मुझे भेजा इस दुनिया में, क्यों भेजा इस दुनिया में, क्या करना चाहिए मुझे, क्या कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे अनसुलझे प्रश्न हमारी जिंदगी में हमारे हमेशा सामने खड़े होते हैं। बहुत बार हम या तो समाधान ढूंढने की कोशिश नहीं करते, भागने लगते हैं। अब भागने से काम नहीं चलेगा, अब जागे आओ। प्राणायाम का अभ्यास तो करेंगे ही, इसके साथ कुछ नई प्रक्रियाओं को भी जोड़ेंगे, लेकिन आइए प्रथम प्राणायाम के अभ्यास 7 प्रक्रियाओं को पूरी श्रद्धा के साथ करें। जैसे सबसे पहले भस्त्रिका ही आप करते हैं, दोनों हाथ को रख लीजिए, मृदंग सीधा, श्वास भीतर गहरा भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे, और ऐसे करो सर, लंबा गहरा सांस लो, बाहर छोड़ करो, लंबा गहरा भरो और बाहर छोड़ो, चारों ओर जो अज्ञात शक्तियां हैं, अदृश्य शक्तियां हैं, उन अज्ञात शक्तियों को, उन अदृश्य शक्तियों को मैं पा रहा हूं। सारी सृष्टि मेरे अनुकूल हो रही है। प्राणों के साथ भीतर तक अपने आप को स्पंदित आनंदित अनुभव करें। ओम 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 का चिंतन, श्वासों को जब भीतर गहरा भरें तो पूरा श्वास ये भरे, छोड़े तो पूरा बाहर भी छोड़े। श्वासों को भीतर धारण करें तो वैश्विक शक्तियों का आधान करें, शुभ का आधान करें, शक्ति का, ज्योति का, ऊर्जा का, पवित्रता का, दिव्यता का आधान करें। देखो भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे ही करना, धीरे धीरे करना, वो जोर से मत करना, लेकिन ऐसे करना। इसका एक पक्ष है शारीरिक, जब आप श्वास भीतर गहरे भरोगे तो शारीरिक परिवर्तन तो होगा ही होगा, माने आपके लंग को पूरी एक्सरसाइज मिलेगी, हार्ट को पूरी एक्सरसाइज मिलेगी, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन पूरा मिलेगा, तो जो हमारे नॉन एक्टिव सेल है वो एक्टिव होने लगेंगे, जो बॉडी के डेड सेल है वो रिजर्नेट होने लगेंगे। माने प्राणायाम का एक लाभ है शारीरिक परिवर्तन, लेकिन इससे ज्यादा गहरा लाभ है वैचारिक परिवर्तन। जब भावपूर्ण हृदय से प्राणायाम करते हैं ना, तो फिर ये अभाव, ये चिंता, ये दुख, ये तनाव, ये डिप्रेशन, ये अवसाद, ये रहता ही नहीं है। और अगला प्राणायाम करते हैं, सांसों को बाहर छोड़ेंगे, देखो मध्यम गति से कपालभाति करो, भावपूर्ण हृदय से करो, श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं। बाहर छोड़ते छोड़ते बहुत कुछ छूट जाता है, विकार मिट जाते हैं, पीड़ाएं मिट जाती हैं, व्याधियां मिट जाती हैं, समाधि लग जाती है। श्वासों को बाहर छोड़ते छोड़ते वेट घटता है, पेट घटता है, डायबिटीज मिटती है, अर्थराइटिस मिटता है,
जो भी टॉक्सिन्स है, नेगेटिव एनर्जी, वो सब बाहर निकल जाती है। ये शरीर के स्तर पर परिवर्तन होता है, जीवन में दुख पैदा करते हैं। दुख किस बात का नाम है? हर व्यक्ति दुख से भयभीत है, सुख चाहता है, लेकिन दुख क्या है? करो करो करो, सांसों को बाहर छोड़ते रहो, बाहर छोड़ रहे सांसों को। बाहर छोड़ते छोड़ते रोग मिटेंगे, ये पहली बात है। पांच मिनट करना आप लगाता है, इसी से कोलेस्ट्रॉल घटेगा, ट्रिग्लिसराइड घटेगा, हार्ट के ब्लॉकेज मिटेंगे, क्रिएटिनिन लेवल कम हो जाएगा। कपालभाति प्राणायाम से सारे स्किन रोग भी मिट जाएंगे। कपालभाति प्राणायाम के द्वारा मोटी मोटी गांठें घुल जाएंगी शरीर की, अपने आप गांठें डिजोल्व हो जाती है। यूट्रस में, ओवरी में, गले में, छाती में, यहां तक कि ब्रेन ट्यूमर भी है तो ठीक हो जाएगा मेरे पास। प्राणायाम करते रहना, साधक का साधना से, प्राणायाम से, ध्यान से, समाधि से, जो उसकी वासनाएं हैं अंतर मन की, वो दग्ध बीज हो जाती है। तो फिर वो कहीं पर भी रहता है, उसके मन में न राग पैदा होता है, न द्वेष पैदा होता है, न मोह पैदा होता है, न वासना पैदा होती है, न हिंसा पैदा होती है, न असत्य पैदा होता है। ये अहिंसा, सत्य, प्रेम और करुणा के पुष्प जब हृदय में अंकुरित होते हैं, तभी घृणा, ये हिंसा, ये कटुता, ये भय, ये भ्रांति, ये संशय, ये राग, ये द्वेष अपने आप ही मिट जाते हैं। एक बार बटरफ्लाई कर लें। योग का एक पक्ष है शारीरिक, दूसरा पक्ष है उसका वैचारिक, आध्यात्मिक। भौतिक अर्थ में योग से ये शरीर अच्छा होता है, और भारत की संस्कृति भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों को साथ लेकर के चलती है। आप एक वेद का मंत्र, जिस यजुर्वेद का 40वें अध्याय का मंत्र है, वह ईशोपनिषद में भी आता है, उसका उच्चारण भी करेंगे और भारतीय संस्कृति को आत्मसात करेंगे ठीक से। कुछ लोग कहते हैं अध्यात्म विद्या ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, आत्मा को जानना। कुछ कहते हैं भौतिक ज्ञान विज्ञान, भौतिक संसाधन संपत्ति और भौतिक सुख का अर्जन करना, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य। दोनों ही कहीं भ्रम की स्थिति में है। जब जिस काम को करते हो उसको इतना सुंदर करो, इतना सुंदर करो कि बस उससे खूबसूरत और कुछ न रह जाए। जिस काम को जब कर रहे हो पूरी निष्ठा से निभाओ, यही है जिंदगी। जब एक पुत्र हो तो पुत्र का रोल ठीक से पूरा करो, जब एक स्टूडेंट हो, एक विद्यार्थी हो, विद्या की आराधना, गुरुजनों की, माता पिता की आज्ञा का पालन, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता, आत्मविश्वास, महान बनने का संकल्प निरंतर हृदय में, तो एक अच्छा विद्यार्थी हो। जब विद्यार्थी है तो एक अच्छे विद्यार्थी बनो, जब व्यापारी है तो एक अच्छे व्यापारी बनो। व्यापार करना, घर बनाना, महल बनाना, बंगले बनाना, लेकिन दूसरों का घर बर्बाद करके नहीं। श्वास को अंदर भरेंगे, अंदर भरने के बाद अंदर रोक के नहीं रखेंगे, बाहर छोड़ देंगे। तीन बंद लगेंगे, कैसे?
अंदर भर दो, बाहर छोड़ दो, बाहर रोक दो। अंदर भर दिया, बाहर छोड़ दिया, बाहर होल्ड कर दिया, थोड़ी को कंठ कुप में लगा दिया, जाल अंदर बंद, पेट को सिकोड़ के पेट से लगा दिया, खींच अंदर थोड़ा जितना खींच सकते हो, तो उड्डयन बंद, नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर खींच के रखा, जैसे मलमूत्र की इच्छा हो रही है तो कैसे खींच देते हैं नीचे, ऐसे बाह्य प्राणायाम। एक बार पूरा भरते, भरने में 3-4 सेकंड लगते हैं, छोड़ते 3-4 सेकंड में, और फिर लगभग 15 सेकंड रोकते हैं, तो 20-25 सेकंड लगते हैं एक बार करने में। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो करवाते ही नहीं है, ये बाह्य प्राणायाम। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, बहुत चक्कर आते हो, कमजोरी हो, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो तो नहीं करना। अब देखो आगे, देखो अब अगला प्राणायाम। बीच में अग्निसार की क्रिया भी कर सकते हैं, इसी की सहयोगी क्रिया है बाह्य प्राणायाम की। सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, श्वास को अंदर भरा, बाहर छोड़ दिया, बाहर होल्ड कर देना, पेट को अंदर खींचना, ढीला छोड़ना। अग्निसार, जब ये उड्डयन बंद अग्निसार क्रिया ठीक से होने लगती है तो नोली क्रिया भी हो जाती है। उसमें क्या करते हैं, सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक देते हैं, पेट को साइड से अंदर खींचते, बीच से ढीला छोड़ते हैं, फिर जिधर हाथ पर प्रेशर देते हैं उधर ही पेट आ जाता है, और हाथ गोल घुमाते हैं तो पेट घूमने लगता है, बाद में बिना हाथ हिलाए भी घूमने लगता है। देखो ऐसे नोली क्रिया, खाली पेट करना, और जिनके हल्के पेट है वो करने की कोशिश करना, धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो हो जाएगा। देखो ऐसे होता है, जब हाथ घुमाते हैं तो गोल घूमने लगता है, कैसे, ये नोली तो अपने आप ही होने लग जाएगी जब पेट हल्का हो जाएगा। श्वासों को बाहर छोड़ना, श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, प्राणायाम पर, योग पर, भगवान पर, माता पिता पर, धर्म पर, देश पर श्रद्धा रखना। श्वासों को बाहर छोड़ते जाना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होगी। आग्रह मत रखना, हम आग्रह रखते योग में, ध्यान में, भगवान में, जीवन में श्रद्धा नहीं रख पाते, हम नेगेटिव सोचते रहते, नकारात्मक सोच विध्वंस का कारण है।
तुम जब यहाँ प्राणायाम करने भी आते हो तब यूँ सोचो कि कैसे मिटेगा रोग, कैसे मिटेगी व्याधि, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, ये तो कहीं नहीं सुना था, ये तो कहीं नहीं पढ़ा था, ये तो कहीं नहीं देखा था। जो नहीं देखा था, जो नहीं पढ़ा था, जो नहीं सुना था, जो नहीं अनुभव किया था, वही तो अनुभव करना है। जो देखा पहले वो देखा जा चुका, जो सुना वो सुना जा चुका, जो पढ़ा वो लिखा जा चुका, वो जाना जा चुका, वो सब ज्ञात है। नया कुछ भी तो नहीं उसमें। नया पैदा होगा श्रद्धा से, नया पैदा होगा ज्ञान से, ज्ञान पैदा होगा श्रद्धा से। श्वासों को बाहर छोड़ते रहो। बहुत से लोग पहले प्राणायाम पर ध्यान पर भी ऐसी शंका किया करते थे, कैसे मिटेगी डायबिटीज, कैसे मिटेगा हेपेटाइटिस, कैसे मिटेगा थायराइड, कैसे घट जाएगा वेट। ऐसे ही घटता तो सारी दुनिया ना ठीक हो जाती। यूं ही श्वासों से बीमारियां मिटती हों तो कोई रोगी नहीं होना चाहिए था। हाँ, कोई रोगी नहीं होगा। एक बार जरा श्वासों की शरण में, प्राणायाम की शरण में, योग की शरण में आके देखो तो सही, पहले से क्यों आग्रह पाले हुए हो। श्वासों को बाहर छोड़ते रहो। पैरों को एक बार सामने खोल लो, आगे पीछे दबा लो। अब प्रचलित जो भ्रम है साधना के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, कुछ कहते हैं हम भक्ति मार्ग, केवल भक्ति। आगे पीछे दबा लो पैरों को, गोल भी घुमा लेना, और इससे घुटने ठीक हो जाएंगे, वीर को ज्वेन आदि की प्रॉब्लम मिट जाएगी। करते रहो आगे पीछे, पूरा दबा लो। याद रखना मेरी बात, जो केवल भक्ति की बातें करते हैं, केवल भक्ति मार्ग बिना ज्ञान के अंधविश्वास पाखंड आडंबर ढोंग हो जाता है। केवल ज्ञान बिना भक्ति के अहंकार का बोझ हो जाता है, और केवल कर्म बिना ज्ञान के, बिना भक्ति के बंधन का कारण हो जाता है, दुख का कारण हो जाता है। कुछ लोग हैं जो कर्म कर रहे हैं, कर्म करते करते स्ट्रेस हो गया, बीवी हाई हो गया, हार्ट में ब्लॉकेज आ गई, ये क्या हुआ। कर्म करने से तो लक्ष्य मंजिल मिलनी चाहिए थी, तुम तो कहीं खुद से ही दूर हट गए। काम करते करते इतना बोझ क्यों, समझ नहीं है, विवेक नहीं है। काम करते करते इतनी आसक्ति क्यों। इसलिए तीनों में समन्वय रखना, ज्ञान का अर्जन करते जाना, जहां से भी ज्ञान मिले सीखते जाना, और बुढ़ापे तक सीखते रहना। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और किसी बच्चे से भी कुछ सीखने को मिल जाए तो सीखते रहना, कर्म करते रहना, कर्म से जीना चुराना। अच्छा, न काम करोगे तो भी तो जीना ही है ना। मैंने पहले ही दिन कहा था कि काम करने से कुछ भी नहीं घटता, ना हाथ घिसते ना पैर घिसते, तो काम क्यों नहीं करो। कर्म करो, ज्ञान का अर्जन भी करो, और भक्ति से भरे हुए रहो, भीतर तक विश्वास से भरे हुए। विश्वास, आत्मविश्वास, दूसरों के प्रति विश्वास। हमें आज भी थोड़ा सा बताएंगे, जीवन में यदि तुम सफल व्यक्ति बनना चाहते हो, गोल घुमा लो नजर एक बार, यूं पर नीचे भी दबा लो, एक बार घुटने एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, और यूं खोल के पैर भी हिला लो। एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, खुद पर विश्वास, खुदा पर विश्वास, दूसरों पर विश्वास, सबसे प्यार, सबका सहयोग, सबसे सहयोग। एक सफल व्यक्तित्व के लिए कुछ बिंदु हैं, कुछ विचार हैं, कुछ सिद्धांत हैं, वो हम बताएंगे आपको कि एक सफल जिंदगी कैसे जी सकते हैं आप। एक दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए, आगे पीछे पूरा गोल घुमा दो, बड़ा आसन बना दो। पूरा गोल घुमाना भाई, तो कमर हल्की हो जाएगी, पेट हल्का हो जाएगा। 10 बार घुमा दो, एकदम हल्का तन। करो करो करो, ABP News आपको रखे आगे।